स्टूडेंट्स वेलकम टू मॉड्यूल 45 ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस कोर्स इस मॉड्यूल में बेसिकली हम एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और यू विल बी एबल टू डाउनलोड द लिंक एंड एक्सेस द एक्चुअल प्रोजेक्ट थ्रू योर नोट्स और योर हैंड बुक इसमें बेसिकली आप फिलहाल ये अंडरस्टैंड करेंगे ये प्रोजेक्ट है क्या और इसमें आप क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड वट यू कैन लर्न एंड हाउ यू विल बी एबल टू डू इट हम बेसिकली बात करें कि एक जो बिग डाटा का एक प्रोजेक्ट है उसकी जो पाइपलाइन आप बिल्ड करते हैं वो किस तरह से होती है और उसके अंदर फिर जो डिफरेंट स्टेजेस पे क्योंकि अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम द सोर्स फिर उसके बाद आपने उसको ईटीएल किया या डाटा इंजेस्ट किया आप उसको लेके अपने डाटा बेरोटा बेस में उसके ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म किया योर फाइनल आउटपुट इज़ दी डेटा विजुअलाइजेशन या कुछ रिपोर्ट्स तो बेसिकली इसमें हमारा मकसद यह है कि एक तो हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि एक रियल वर्ल्ड में नो no एस को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो बहुत सारे केसेस में जैसे मैंने बार बार ये बात की कि यू कैन यूज़ नो एस क्यू एंड एस क्यू एल इन वन प्रोजेक्ट इसी तरह ये एक जो डेटा पाइपलाइन है इसके अंदर भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और जैसे जैसे यू विल लर्न डिफरेंट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ इट विल बिकम मोर हैंडी और मोर इफेक्टिव एज ए डेटा साइंटिस्ट यू विल बिकम मोर इफेक्टिव टू मैनेज एनी प्रॉब्लम और एनी सोलूशन या सोल्यूशन डिजाइन या डिवेल्प करना कि जब आपको ये पता होगा कि इस स्टेज पर जो मैं मैं बात कर रहा हूँ इन कॉन्टेस्ट ऑफ योर बिग डेटा पाइपलाइन ये मेरे पास जब डेटा आया तो इस अनस्ट्रक्चर्ड था या मेरे पास अगर देखिए दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अब मेरे पास तीन डेटा सोर्सेज हैं राइट एक उसके अंदर फर्ज करें डेटा है जो कि एस क्यूएल में या टेबल फॉर्म में है एक डाटा है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड है जब मैंने एनालिसिस करना है तो आई कैन नॉट डू इट डायरेक्टली देर इज़ नो वे इवन टूडे कि आप उसको वहीं से उसको कोई कंपेयर कर लें किसी तरह से नो यू हैव टू कन्वर्ट योर अनस्ट्रक्चर डाटा टू स्ट्रक्चर डाटा और फिर दोनों को मे भी आप किसी एक डाटा बेस में ले कर जाएँगे जहाँ वहाँ भी फिर आप दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में या उनको लिंक करेंगे इसकी एग्ज़ैम्पल ऐसे ही है कि जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने एग्जाम्पल दी है जो एक रियल प्रोजेक्ट जिस पे आई हैव वर्क्ड यू नो इन द रीसेंट पास्ट वो ये कि ये जो आपकी ऑटोमोटिव की कंपनीज हैं या जो आपकी एयरलाइंस हैं ये डेटा ऑन द गो उसको रिकॉर्ड करती हैं जो इंजन आजकल तो जो आपके पास डिजिटल uh, उसके आ गए हैं कंट्रोल गाड़ियों के अंदर भी तो गाड़ियों के अंदर भी वो ना जो डिफरेंट एरर जनरेट होते हैं उसका डेटाबेस बनता रहता है राइट और इन वेरी जो एक्सपेंसिव कार्स हैं उनके अंदर वो डाटा डायरेक्टली उनके वहाँ पे चला जाता है डेटा बेस में यहाँ कुछ कंट्रीज़ में ये होता है कि जब आप गाड़ी सर्विस के लिए लेके जाते हैं तो वो डाटा उस वक्त वो डाउनलोड करते हैं और वो फिर ओवरऑल उस अगर फोर्स करें फोर्ड की गाड़ी है जी की गाड़ी है यू नो किसी की भी गाड़ी तो उनके जो मेजर एक डाटा होता है उसके अंदर वो डाटा उनकी जो वर्कशॉप है जो सर्विस शॉप है वहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर चला जाता है और वो फिर उसको सारे को समराइज़ करते हैं फिर उसको वो एनालाइज़ करते हैं राइट right? इसी तरह जो एयरलाइन इंडस्ट्री एविएशन इंडस्ट्री में इस वक्त अगर दुनिया में फ़र्ज करें दो मेजर नाम है एयरबस है और बोइंग है तो उनके जितने प्लेन उड़ रहे हैं उनके अंदर जो इंजन है इंटरेस्टिंगली इंजन ये लोग ख़ुद नहीं बनाते इंजन किसी और का यूज़ करते हैं फर्ज फ़र्ज़ करें रोल्स रॉयस का इंजन है जो कि यूज़ होता है तो वो हो ये रहा है कि प्लेन जब फ्लाई करते हैं डूरिंग दी हॉल डूरिंग दि ट्रेवल और जितने भी पैरामीटर्स जो होते हैं वो जनरेट करता है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उनके डेटाबेस में जाके सेव हो रहे हैं अब ये ये जो इंजन जो डाटा प्रोड्यूस कर दैट इज़ ये आपका नो एस क्यू ये मोस्टली इट विल बी इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स और समथिंग डिफरेंट लेकिन अब वो साथ ये बता रहा है कि इस वक्त मैं इतनी हाइट पर हूँ यहाँ पर इतना टेम्परेचर है ये मेरी डायरेक्शन है ये यहाँ पर इतनी स्पीड है ये यहाँ पर क्लाउडी है नहीं है यू you नो know, वो जो छः सात पैरामीटर हैं वेदर के प्लस लोकेशन उसका अल्टीच्यूड यू नो ये वो ये वो डाटा जो कि उसके पास आ रहा है उसमें एसक्वेल की फॉर्म में और जो दूसरा डाटा जो इंजन की इंफॉर्मेशन है वो है आपकी नो no एस्क्यूएल में तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल इस तरह के बेशुमार और एग्जांपल्स है अब वो जब डाटा इनके अब आपने उसको जो भी उसकी फ़र्ज करें कैलिब्रेशन का मसला है कहीं पर खुदा तो ना खासा इट डजेंट मीन कि वो एवरी इज़ यू नो अबाउट एन एक्सीडेंट और डिज़ास्टर या एयर क्रैश की बात नहीं करें वो उसको अवॉइड करने के लिए द वर्क इन एडवांस तो ये जो बेसिकली डाटा ये प्रोजेक्ट जब आप करेंगे तो यू विल हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस तो बेसिकली फिर उसमें होता है कि वो जो सारा डाटा उनके पास आता है वो उसको ये देखते हैं कि किस हाइट पर था अपना प्लेन उस वक्त उसने अगर ये एक एरर जनरेट किया है तो इसका क्या मकसद है वो फिर वो जितनी फ़र्ज करें उनकी फ़्लाइट्स हैं उन सब का डाटा रिकॉर्ड करते हैं उसको फिर वो जो एरर मैसेज और जो उसकी फिजिकल कंडीशन है प्लेन की उन दोनों को जॉइंट करते हैं फिर उसके ऊपर दे यू you नो know, कोई स्टैटिस्टिकल जो टेक्निक्स है स्पेशली इस तरह के केस में मोंटी कार्लो एक टेक्निक है उसको अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड टू अवॉइड द रिस्क बेसिकली ये जो टेक्निक है ये दिस इज़ अबाउट रिस्क मैनेजमेंट उसको कैसे आपने अप्लाई करना है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जैसे मैंने कहा कि आप इसको एयरक्राफ्ट सिविल एविएशन इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको किसी और इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग इसके एग्जांपल इग्जाम्पल uh, मैं आपको दूँ कि ये जो बर्ड हिट करते हैं प्लेन्स को राइट right? अब इसकी जब उन्होंने स्टडी की वन ऑफ दी एनालिटिकल कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तो उन्होंने देखा कि ये ना एक सीजनल है अब जो बर्ड है वो सीज़न के हिसाब से फ्लाई करते हैं एक ख़ास हाइट पे वो करते हैं और मोस्टली लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त करते हैं राइट तो अब उसके बाद फिर कंपनीज़ ने ये किया कि दे हैव उन्होंने एक एडवाइजरी इशू की कि जी इस मौसम में आपने इस डायरेक्शन में क्योंकि मोस्टली रन वे आप दोनों तरफ से लैंड लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं तो ये करना है इस हाइट पर करना है और इस साइड पे नहीं करना क्योंकि ये पूरी एक उसकी अपनी हिस्ट्री है बट अगेन एनालिटिक्स हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दिस तो इसी तरह आप इसके जो और बहुत सारे जो हैं उसके एस्पेक्ट्स उनको देख सकते हैं बट दिस इज़ अगेन अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो कि ये बर्ड हिट करते हैं एयरक्राफ्ट को उसके बारे में है मे बी यू कैन फाइंड इट समर ऑन द इंटरनेट एज वेल तो इसमें आप जो लर्निंग आउटकम आपकी ये प्रोजेक्ट करने के बाद और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्योंकि हर प्रोजेक्ट इट्स जो है ना इसके अंदर देर इज़ अ ग्रेट लर्निंग इन एवरी प्रोजेक्ट राइट तो जो वो आप जब आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको एक तो डाटा का जो स्ट्रक्चर है वो समझ आएगा कि सिवी सिविल एविएशन का डाटा किस किस तरह का होता है उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो कौन से हैं कौन से स्ट्रक्चर्ड हैं कौन से अनस्ट्रक्चर्ड हैं और आपने फिर उनको लिंक किस तरह से करना है फिर उसके बाद आपके पास वो आपने जो इसके जो टूल यूज़ करने हैं नाइफाई यूज़ करना है काफका यूज़ करना है स्पार्क यूज़ करना है एच बेस यूज़ करना है पूरी डेटा पाइपलाइन में कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन सा टूल यूज़ करना है देखिए एक टूल की जो जो रॉ डेटा की इनपुट है वो एक टूल की इनपुट दूसरे की आउटपुट है इसी तरह जो अगला टूल है उसकी इनपुट और उससे अगले की आउटपुट है तो इस तरह ये पूरी एक जो आपकी ये जो डेटा पाइपलाइन है दैट इज़ हाउ इट वर्क्स कि हर स्टेज की अपनी इनपुट और आउटपुट है तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अगर किसी कोई मैनुफेक्चरिंग प्लांट देखें गाड़ियों का देखें तो यहाँ से वो कहाँ से गाड़ी को क्या स्टील की शीट जाती है और गाड़ी बन के निकलती है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसी तरह डेटा पाइपलाइन की भी अपनी अपनी स्टेजेस हैं एंड दैट इज़ बट यू विल अंडरस्टैंड कि एक पूरी जो डेटा पाइपलाइन है उसकी डिफरेंट स्टेजेस के हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी के यूज़ हो रही हैं और डेटा के ऊपर जो उसका इम्पेक्ट है जो मैनुपलेन है डाटा की वो किस किस तरह से होती है और किस तरह से वो उसकी फॉर्म और शेप चेंज होती है और किस तरह से जो एंड रिजल्ट है इट कैन मेक यू नो सम वेरी वेरी यूजफुल या क्रिटिकल डिसीजन इसकी बेस पे आ, कोई कर सकता है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री ऐसी इसमें खुदा ना खास्ता हंड्रेड परसेंट आपको चाहिए होती है एफिशिएंसी देर इज़ नो चांस ऑफ इवन नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ दी यू नो एफिशिएंसी तो so, आप ये देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है जो आपका डेटा साइंटिस्ट का रोल है इन दिस इंडस्ट्री इसी तरह अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री में जाएंगे किसी और इंडस्ट्री में जाएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से बिग डाटा में या डिफरेंट you इन्वायरमेंट्स know, में आप किस तरह से प्रैक्टिकली काम करते हैं थैंक यू